नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीख रहे हैं एमएस ऑफिस और इसके अंदर में हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग हमारे डीवीडी के लिए है, जो हम आउटलुक की डीवीडी हम सेल करते हैं, 1500 की प्राइस है, उस डीवीडी की रिकॉर्डिंग है। आप अगर हमारे डीवीडी परचेज करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट mdotiptindia.com पे जाकर परचेज कर सकते हो। साथ में हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है एमएस ऑफिस एंड एमआईएस की एंड एडवांस एक्सेल की, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो हम आज, अभी तक हमने आपको मेल लास्ट जो है मेल हैंडलिंग से के बारे में बता दिया था, सेम रिसीव्स के बारे में हमने बता दिया था, तो अब हम बात करने जा रहे हैं रूल्स के बारे में। जी हाँ, रूल्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब कि मैं चाहता हूं कि मेरे मेरा जो मेल्स है वो मेल्स अपने हिसाब से एक इसमें आ जाए, एक फोल्डर में आ जाए। जैसे कि पहला मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जितने भी पेमेंट का मेल है, जैसे मेरी जो पेमेंट रिसीव होती है पेयू मनी से, तो जो पेमेंट का मेल है वो पेमेंट का मेल अपने आप जो है मेरे इस पेयू इन वाले फोल्डर में आ जाए, जितने भी इनबॉक्स में अभी जितना है मेल वो, और इन फ्यूचर में चाहे जितना मेल आएगा वो सारा मेल इसमें ऑटोमेटिकली चल जाना चाहिए। तो रूल्स में जाइए, यहाँ पे क्रिएट रूल्स, इसके एडवांस ऑप्शन में जाएं। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। अब इसमें आता है कि मेल कहाँ से आना चाहिए, फ्रॉम पेयू मनी या कहीं और से। मैंने बोला कि मैंने यहाँ बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे पेयू मनी से में आना चाहिए, या फिर एक करेक्टर है मतलब कि विद सेटलमेंट अलर्ट उसके साथ आना चाहिए, सेंड टू थ्रू, सेंड ओनली मी, सेंड बाय नेम द बॉक्स मार्क, ये बहुत सारे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखी क्या है, मैसेज हेडर, सेंडर एड्रेस, ये सारे कैटेगरी है हमारे पास। तो यहाँ पे ये देखिए सब्जेक्ट वर्ड ही दिख रहा है ना, विद सब्जेक्ट वर्ड ही ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ऑटोमेटिक ले लेता है जो मेल सिलेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ, ऐड एंड ओके। तो यहाँ हो गया कि हमने रूल सिलेक्ट किया कि जिसकी सब्जेक्ट बॉडी में ए वर्ड लिखा हुआ हो उसको हमने बोला कि मूव फोल्डर, एक पर्टिकुलर फोल्डर में उसको मूव करना है। तो पर्टिकुलर फोल्डर में मैंने यहाँ पे पेयू नाम सेलेक्ट कर लिया, एंड ओके, एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे दूसरा आता है रन दिस रूल हो गया। तो अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रन दिस रूल सिर्फ ये सिलेक्टेड हुआ तो क्या हुआ कि अब जो मेल आएगी उस पर वर्क करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, ये मेल जो मेरे मेल बॉक्स में पहले से पड़े हुए मेल्स है उसके ऊपर भी ये परफॉर्म करे। तो इसको हमने यहां से इसको सेलेक्ट कर लिया, एंड फिनिश का ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए जितना भी मेल्स है सारा मेल्स मेरे पेयूएम वाले फोल्डर में ऑटोमेटिक जा रहा है, जो भी पेमेंट्स हमें रिसीव हुए हैं सारे पेमेंट्स का मेल इसमें ऑटोमेटिकली जा रहा है। अब इन, अब देखिए 90 मेल इसमें ऑलरेडी आ गए हैं, बोलिए तो सारे देखिए सारे पेमेंट से रिलेटेड मेल है और कोई नहीं है, जितने पेमेंट रिसीव हुए हैं उसी पेमेंट से रिलेटेड मेल्स हैं, और अब जो मेल आएंगे वो इसी पर्टिकुलर फोल्डर में ऑटोमेटिकली सगेंगे, ओके आज हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ और रूल्स क्रिएट करना चाहते हैं,
तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मेल्स हमें आते हैं रिलेटेड, बहुत सारे रिलेटेड के रिगार्डिंग। तो जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे मेल्स हैं जो कि ये हैं स्पेम है, या फिर मान लीजिए उसको हमने नहीं चाहिए, बहुत सारे मेल साथ यहाँ देखिए शादी.com। अब ये शादी.com से जो मेल आता है वो खामखा कभी हमने रजिस्टर्ड किया होगा पता नहीं क्या है, ये मेल मुझे बहुत परेशान करते हैं। अब इस मेल को हम कुछ और रूल्स लगाने जा रहे हैं, तो रूल्स में यहाँ पे क्रिएट रूल्स में आते हैं और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब ये जो है ना यहाँ से मेल आएगा, मैं बोला कि यहाँ से फॉर्म शादी डॉट कॉम से मेल आएगा, और हमने नेक्स्ट किया। अब देखिए इसमें क्या है, मूव फोल्डर असाइन डिलीट इट, हमने बोला कि ईमेल्स डिलीट होना जाना चाहिए, या परमानेंट डिलीट करोगे तो ये आपका जो डिलीट आइटम में डाल देगा। मैं बोलता हूं कि परमानेंट डिलीट हो जाए हमें करना है। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें इसमें और भी है कि अगर कुछ और लेना चाहते हैं फ्लैग करना ओनली नहीं, मैं कुछ इग्नोर करना चाहते हैं एक्सेप्शन जो है उसके लिए होता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया ताकि इनबॉक्स में जो है उसको भी कर दे एंड फिनिश। तो जितने भी शादी डॉट कॉम के मेल्स हैं सारे मेल्स को इसने डिलीट कर दिया। तो ये इस तरह से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं कि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम और होती है कि मेरे पास जो मेल्स आते हैं तो मैं अपने ऑफिस में काम करता था, तो मेरे पास कुछ मेल्स ऐसे आते थे जिसको भी सिर्फ फॉरवर्ड करना होता था, हमें उस मेल को कुछ करना नहीं होता था, हमें किसी उसको किसी और मेल पे फॉरवर्ड कर देना होता था। अब देखिए यहाँ पे अपडेट वाला भी है, ये रह गया क्योंकि मैंने मेल आईडी के अकॉर्डिंग चलता है ना इसलिए। तो यहाँ पे हमने रूल्स बनाया था कि भाई कि वहाँ शादी डॉट कॉम पे एक ही मेल आईडी को उसने पिक किया। अब मैंने क्या, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं बोला हूँ कि जिसके सब्जेक्ट में या मेल बॉडी पे शादी डॉट कॉम लिखा हो वो सारे मेल्स को हमारा डिलीट कर दे। तो चलिए एक और रूल पहले ही बनाते हैं, फिर अगले रूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो क्रिएट रूल पे आते हैं, एडवांस ऑप्शन पे जाते हैं, एडवांस ऑप्शन पे, और या फ्रॉम सारे डॉट पर हम नहीं ले रहे, हम लेते हैं मेल बॉडी की, बॉडी के ऊपर शादी डॉट कॉम ऐड करता हूँ पहले। ओके, फिर मैं बोलता हूँ कि वर्ड इन द हीडर मैसेज हीडर, उसमें भी अगर शादी डॉट कॉम हुआ तो उसको ऐड कर। उसके बाद मैं यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इसको चेंज करता हूँ, ये पहले से ऐड है तो जो मेरे सिलेक्टेड होता है ऑटोमेटिक ले लेता है, मैंने बोला सब्जेक्ट में शादी डॉट कॉम हो एंड हम इसको ऐड। नेक्स्ट नेक्स्ट, इस क्या करना है, मैं करना है परमानेंटली डिलीट। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड फिनिश, यहाँ पे देखिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड फिनिश, सारे मेल्स डिलीट कर देगा। सिलेक्टेड था इसलिए नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूं कि किसी पर्टिकुलर मेल, जैसे ईमेल आया तो मुझे वो फॉरवर्ड हो जाए, जैसे क्लिक इन, मैं चाहता हूं कि क्लिक इन जो रिस्पॉन्स टू करके आता है, क्लिकिंग रिस्पॉन्स टू जो आ रहा है, इस क्लिकिंग रिस्पॉन्स टू को जो मेल्स हमें आते हैं वो मेल्स को मुझे फॉरवर्ड करना है अनदर मेल, क्योंकि मैं ये आउटलुक जो है हमेशा नहीं खोलता हूँ लेकिन हमारे मोबाइल पे और बाकी चीज़ों पे हमेशा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स वाली जो आ रही है, या यहाँ मैं बोलता हूँ कि जिसके मेल बॉडी पे रिस्पॉन्स होगा उसको करना है। तो यहीं पे हम रूल्स क्रिएट करते हैं
क्रिएट रूल्स, और हम एडवांस ऑप्शन में जाते हैं और जैसे कि info@click.com रिस्पॉन्स, दो चीज हमने ऐड कर दी और मैंने बोला कि मेल बॉडी पे मेल के बॉडी पे भी रिस्पॉन्स वर्ड हो सकते हैं और इसको ऐड कर दिया। एंड तो कई सारी पॉसिबिलिटीज होती है, पॉसिबिलिटीज को हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मैंने बोला यहाँ पे, यहाँ पे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इसको फॉरवर्ड करना है। तो मैंने बोला मैं यहाँ पे देता हूँ iptdelhi123@gmail.com। एक कंफ्यूजन यहाँ पे है कि ये एंड लगा हुआ है, ये सारे मैच होने चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट और दिस मैसेज एंड फिनिश। तो मेल्स को उसने फॉरवर्ड कर दिया, इसमें सेंड आइटम देखेंगे। उसमें फॉरवर्ड, अब जो मेल आएगा उसको फॉरवर्ड करेगा, लेकिन उसमें देखना यही होगा क्योंकि मैंने जो रूल्स लगाया उसमें दो तीन रूल्स देते हैं एंड एंड होता है, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि एंड दो कंडीशन में क्राइटेरिया में जैसे एज पर थ्योरी का तीन रहना चाहिए, तो आपको एक ही कंडीशन लगानी चाहिए। इसमें एडवांस ऑप्शन में आप ये सारे है कि आपके किसी पर्टिकुलर मेल आई डी से, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, या किसी ने सेंड किया है, या विथ ये सिलेक्ट करना चाहिए था कि इन द सब्जेक्ट और बॉडी दोनों देखना है। ये सारे कंडीशंस हैं, अपने कंडीशंस को सेट कीजिए, बहुत सारे कंडीशन इसमें, कंडीशन को सेट कीजिए, उसके बाद आपने क्या ये किया हुआ है, मतलब कि क्या आपको एक्शन करना है, तो उस कंडीशंस को यहाँ सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि आप मेल को मूव करना चाहते हैं एक फोल्डर में, उसको डिलीट करना चाहते हैं, उसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, उसको किसी फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं, या किसी पर्सन को फॉरवर्ड करना चाहते हैं नॉर्मल मेल या अटैचमेंट करके, या रिप्लाई करना चाहते हैं, या फ्लैग करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंस मार्क करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। और दूसरा है कि मान लीजिए कि आपकी बॉस, आपके पास अगर स्पीकर वगैरह लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पास किसी का मेल आया एक साउंड प्ले होना चाहिए, तो आप इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक साउंड हमारा प्ले हो। तो ये सारे आपने टास्क है। जब मान लीजिए कि हमने साउंड प्ले सेलेक्ट कर लिया, अब साउंड यहाँ से ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट सिस्टम का होता है वो होता है, उसके अलावा कोई और साउंड है तो ले लीजिए, आपका खुद का साउंड है। और ऑप्शंस की बाय उसको वर्क कहाँ कहाँ करना है, तो ये आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई अब होता क्या है कभी कभी कि सब्जेक्ट बॉडी में अगर एक कंटेंट हुआ, अगर कोई और कंटेंट हुआ तो उसको हटा देना, उसको कंसीडर ना करना, सीसी में कोई है तो उसको कंसीडर ना करना, तो वो सारे चीज यहाँ पे आप डाल सकते हैं और उसके बाद आप उसको रन कर दीजिए, आराम से रन हो जाए। कल के डेट में कोई रूल्स को अगर चेंज करना हुआ तो यही भी रूल्स के नीचे आता है मैनेज रूल्स एंड अलर्ट, यहाँ पे आपके सारे रूल्स है, उसको चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो। तो रूल्स यहाँ पे डिफॉल्ट है, उसको आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। तो रूल्स जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका आउटलुक का, तो ये रूल्स इस्तेमाल इस तरह से यहाँ पे किया जा सकता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, मुझे कॉल कर सकते हैं, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए या लर्निंग के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और आपको मेरे साथ ट्रेनिंग लेनी है, मेरी डिग्री लेनी है तो मुझे आप कॉल कीजिए, मेरी वेबसाइट पे जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।